नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। वैक्सीन लगने के 5 दिन बाद मासूम का हाथ पड़ा काला। माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपायरी डेट का वैक्सीन लगाने का लगाया आरोप। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, काटना पड़ेगा मासूम का हाथ। विदिशा विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मासूम का पूरा इलाज मुफ्त में करवाने की मांग की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए चिकित्सक के पेशे को शर्मसार किया है। 26 अगस्त को पैदा हुए मासूम शिशु के इलाज में लापरवाही के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए हाथ को काटा जाना जरूरी हो गया है। माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपायरी डेट का वैक्सीन लगाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हम जिला अस्पताल में डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुँचे तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे अपने कक्ष से में नहीं मिले, लेकिन उनके कमरे में 2 पंखे पूरी स्पीड में चल रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि वे वहीं मौजूद थे और हमसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन संजय खरे का कोई अता पता नहीं मिला। इस मामले में स्थानीय विधायक शशांक भार्गव ने दोषी डॉक्टरों पर कार्यवाही करने और डॉक्टरों की लापरवाही से दिव्यांग होने वाले मासूम को गोद लेने के लिए शासन से आग्रह किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने इस मामले में भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों से मासूम के संबंध में जानकारी ली, साथ ही इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए। विदिशा से शुभम जैन के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसमे हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। एक नवजात शिशु जिसकी उम्र मात्र 5 दिन की थी, उसको बगैर परिजनों से मिलाए 5 दिन तक रखे रहे। इसके बाद जब उसे सौंपा तो उसके सीधे हाथ में, राइट हैंड में, पूरा काला पड़ गया था। ये जिला अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही है। मैंने तुरंत PS महोदय को इस मामले में पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया और विदिशा कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है। भोपाल में उस बच्चे का इलाज के लिए प्रबंध किए गए हैं, लेकिन मेरी ये मांग है कि जिला अस्पताल के लोगों की लापरवाही की वजह से अगर उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो सरकार को उसे गोद लेना चाहिए। अभी से उसकी इस बात का प्रबंध करना चाहिए कि उसको बड़े होकर नौकरी मिले और लालन पालन की पूरी जवाबदारी सरकार अपने ऊपर ले और जिन लोगों ने लापरवाही की है उन दोषियों को सजा दे। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक बच्चा जिसका जन्म 26 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था, बेबी ऑफ मिथिलेश करके है जिसका आइडेंटिफिकेशन। कल इनके परिजन आए थे और इसके बाद मेरी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी। अभी इसका जो हाथ है, राइट साइड का हैंड जो पोर्शन है, हथेली के आसपास का, थोड़ा सा कलाई का, वो नेक्रोसिस हो गया है, तो उसमें हो सकता है उसको हटाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं, पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।